आज का टॉपिक है हमारा नाम, ग्रामर स्टार्ट करते हैं। संज्ञा, संज्ञा की परिभाषा हमने सभी ने बच्चों ने पढ़ी होगी। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा जगह का नाम को संज्ञा कहा जाता है। अब हम कुछ उदाहरण ऐसे देखते हैं जिससे हमारी परिभाषा अधूरी रह जाएगी या वो उदाहरण इस परिभाषा में नहीं आएंगे। मैं आपको लिख के बताता हूँ। ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ये ना कोई वस्तु है, ना कोई व्यक्ति है, ना कोई जगह का नाम, फिर भी ये संज्ञा है। जो परिभाषा हमने बचपन में पढ़ी थी वो गलत तो नहीं थी लेकिन अधूरी थी, उसको हम पूरा करते हैं। संज्ञा किस शब्द को बोला जाएगा? पूरी परिभाषा होगी, एवरी नेमिंग वर्ड इज अ नाउन, हर वो चीज़ जिसका कोई नाम है उसे संज्ञा कहा जाता है। ना वो परिभाषा हम लिख लेते हैं। हिंदी वाले लिखना चाहें तो लिखें, हर वो चीज़ जिसका कोई नाम होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, हम समझने की कोशिश करते हैं। आगे एग्जांपल लेते हैं, कुछ हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, उदाहरण लेते हैं कुछ। अशोक किसी व्यक्ति का नाम है। इलाहाबाद किसी जगह का नाम है। रामायण किसी किताब का नाम है, जो हमारी धार्मिक पुस्तक है उसका नाम। ये सब शब्द, इन सब शब्दों को संज्ञा कहा जाएगा। ठीक है, परिभाषा वापस मैं एक बार दोहराता हूँ, हर वो चीज़ जिसका कोई नाम होता है उसे संज्ञा कहा जाता है। जो परिभाषा हमने बचपन में रटी थी या पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी कि हर वो चीज़, हर वो व्यक्ति, वस्तु या जगह के नाम को संज्ञा कहा जाता है। इसमें आपको थोड़ा सा अगर एडिशन कर लेंगे, हर वो चीज़ जिसका नाम होता है उसे संज्ञा कहा जाएगा, ये पूरी परिभाषा होगी। इसमें हमारा ऑनेस्टी, ब्रेवरी, जो खूबी जो हमारी पुरानी परिभाषा में छूटी थी वो भी कवर हो जाएगी। ठीक, अब हम पढ़ते हैं संज्ञा को किस तरीके से तोड़ा जाता है। काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन की बात करेंगे, संज्ञा कितने प्रकार की होती है। ठीक है, पांच क्लासिफिकेशन हम संज्ञा के लिखते हैं। संज्ञा पांच प्रकार की होती है, एक एक कर कर मैं नाम लिखूंगा और उसको समझाऊंगा। सबसे पहला होगा प्रॉपर नाउन, ऐसे हिंदी में कहा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा हमारा होगा कॉमन नाउन, इसे कहा जाएगा हिंदी में जातिवाचक संज्ञा। तीसरा प्रकार होगा हमारा कलेक्टिव नाउन, इसे कहा जाएगा समूहवाचक संज्ञा। पहले हम लोग पूरी पूरा क्लासिफिकेशन लिख लेते हैं, उसके बाद एक एक को समझेंगे। चौथा क्लासिफिकेशन हमारा होगा मटेरियल नाउन, जैसे हिंदी में बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। आखिरी और पांचवा क्लासिफिकेशन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऐसे हिंदी में कहा जाता है भाववाचक संज्ञा।
हम देखिए उदाहरण देखते हैं सबका और समझने की कोशिश करते हैं कि पांच भागों में क्यों तोड़ा गया। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, ये चीज़ें कहीं भी नहीं पूछी जाएंगी कि जो संज्ञा है वो प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि जातिवाचक संज्ञा है या समूहवाचक संज्ञा है या द्रव्यवाचक संज्ञा है। फिर आप पढ़ क्यों रहे हैं इनको जब पूछा नहीं जाएगा, तो इनके जब हम नियम पढ़ेंगे उसमें इनको यूज़ करेंगे इनडायरेक्टली। आप तो बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन सी संज्ञा किस प्रकार में आती है, ताकि आगे जो हम नियम पढ़े उनको तरीके से अप्लाई कर पाए। डायरेक्टली कहीं भी नहीं पूछी जाएगी लेकिन इनडायरेक्टली हम इसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की परिभाषा क्या होगी, देखिए पहले अंग्रेजी में बोलता हूँ, हिंदी में बोलूँगा, फिर मैं उसको उदाहरण के थ्रू समझाऊँगा। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग। प्रॉपर नाउन हम किसी व्यक्ति वस्तु अथवा जगह के नाम को बोलते हैं। जो परिभाषा हमने पढ़ी थी वास्तव में प्रॉपर नाउन की थी, एक जो क्लासिफिकेशन था उसकी परिभाषा थी जो बचपन में हमने पढ़ी थी। वापस रिपीट करता हूँ एक बार, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस और थिंग। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु अथवा जगह के नाम को कहा जाता है। इसमें कन्फ्यूज मत होना कि व्यक्तिवाचक लिखा है तो सिर्फ व्यक्ति आएगा, इसमें वस्तु का नाम भी होगा और जगह के नाम भी होगा। उदाहरण हम लिखते हैं, मोहन मुंबई रामायण। इसमें एक व्यक्ति है मोहन, एक वस्तु है, कौन कौन से उदाहरण हमने देखे, मोहन मुंबई और रामायण, ये किसी व्यक्ति का नाम है, ये जगह का नाम है और ये एक हमारी धार्मिक पुस्तक का नाम है। अब हम आते हैं दूसरी परिभाषा पे, दूसरे प्रकार पर, इसको बोला गया कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा। ये किसी एक जाति को डिनोट करेगा। जाति का मतलब वो जाति नहीं जो हमारा कास्ट सिस्टम चलता है, हम किसी और चीज़ की बात कर रहे हैं। उदाहरण के थ्रू हम समझते हैं कहना क्या चाहते हैं। बुक, कॉपी, ठीक है। मैंने जब यहाँ पे बुक लिखा तो इसमें दुनिया की जितनी भी किताबें हैं वो सब इसमें आ जाएंगी। कॉपी लिखा, दुनिया की जितनी भी कॉपीज हैं वो इसमें आ जाएंगी। पुस्तक कोई ऐसी चीज़ होती है, ऐसे कागज़ों का समूह होता है जिन्हें हम पढ़ते हैं, उसे बोला जाता है पुस्तक। तो ये क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। अलग अलग हिस्सों में हमने तोड़ दिया, बुक हो गई, कॉपी हो गई। कुछ और उदाहरण देखते हैं, फैन, विंडो, या अलग अलग चीज़ों के समूह या जाति को दर्शा रहा है, इसीलिए हम इसे बोलेंगे जातिवाचक संज्ञा। जो परिभाषा लिखना चाहें हम एक बार परिभाषा अंग्रेजी और हिंदी में डिक्टेट कर देता हूँ। अ कॉमन नाउन इज द नेम, अ कॉमन नाउन इज द नेम गिवन टू थिंग्स इन कॉमन और ऑफ सेम काइंड। कॉमन नाउन उन वस्तुओं को कहा जाता है जो एक ही प्रकार की होती हैं या एक ही प्रकार की वस्तुओं का समूह होता है, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। वापस रिपीट करता हूँ एक बार क्या बोला मैं, अ कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन कॉमन टू पर्सन्स और थिंग्स ऑफ सेम काइंड। ठीक है, एक प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं को दिया गया नाम जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। उदाहरण वापस देखते हैं, बुक, कॉपी, फैन, विंडो। अब आते हैं हम तीसरे पे, जिसको बोला जाता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा बहुत ही आसान सा है। इसमें हम क्या करेंगे, इसके उदाहरण पहले मैं आपको देता हूँ, इसके उदाहरण पहले हम लिखते हैं, उदाहरण के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। कलेक्टिव नाउन, क्लास का अर्थ क्या होता है, एक उदाहरण मैंने क्लास लिखा। क्लास का मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट जहाँ बैठे हों, काफ़ी सारे बच्चे बैठे हों और पढ़ रहे हैं, उसको बोला जाता है क्लास। पार्लियामेंट का अर्थ क्या होता है, जहाँ पे हमारे चुने हुए सांसद या प्रतिनिधि बैठे हों, जहाँ पे जो नियम कानून बनाते हैं उसको बोला जाता है पार्लियामेंट। जूरी, जूरी का अर्थ होता है, आपने सुना होगा कई बार कोई केस होता है, तीन या चार या पाँच जजेस केस को सुनते हैं, उन जजेस के पैनल को बोला जाता है जूरी। इसमें कॉमन क्या है, इसमें कुछ लोगों का समूह है, क्लास में कुछ लोग बैठे हुए हैं, पार्लियामेंट में कुछ लोगों का समूह है, जूरी में कुछ लोगों का समूह है। जहाँ पे समूह बनेगा उसको हम बोल देंगे समूहवाचक संज्ञा या कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अब आसान भाषा में परिभाषा समझते हैं इसकी, हम इसकी परिभाषा समझने की कोशिश करते हैं।
अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम गिवन टू कलेक्शन ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स। ठीक है, हिंदी में दोहराता हूँ परिभाषा, क्या कहना चाहते हो? हिंदी में परिभाषा देखें समूहवाचक संज्ञा की, एक प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह को समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे क्लास है, वहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, जो पढ़ने वाले लोग हैं वो बैठे हुए हैं एक तरीके के, उसका हम बोलेंगे समूहवाचक संज्ञा। पार्लियामेंट, हमारे चुने हुए सांसद प्रतिनिधि जहाँ पे जाते हैं उसे पार्लियामेंट कहा जाता है। जूरी, सब चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ। अब आते हैं लास्ट कैटेगरी पे जिसको बोला जाता है मटेरियल नाउन। चौथी कैटेगरी हमारी लास्ट नहीं है अभी, मटेरियल नाउन। देखिए, जैसे हम बात करते हैं सोने की, गोल्ड, या हम बात करते हैं सिल्वर, या हम बात करते हैं पेट्रोल, वाटर, ये कुछ वस्तुओं के नाम हैं, इनको हमने डाला है द्रव्यवाचक संज्ञा में। द्रव्य का मतलब ये नहीं है कि कोई लिक्विड चीज़ है, द्रव्य का मतलब कहीं भी नहीं कोई लिक्विड चीज़ की हम बात कर रहे हैं, किसी ठोस धातु को भी हम इसमें डाल सकते हैं। गोल्ड लिक्विड नहीं होता, हमारा सॉलिड होता है, लेकिन फिर भी मटेरियल नाउन में आएगा द्रव्यवाचक संज्ञा में। सिल्वर हमारा सॉलिड होता है, पेट्रोल हमारा लिक्विड। मटेरियल नाउन का अर्थ क्या है? उन सब्सटेंसेस की हम बात कर रहे हैं जो किसी न किसी चीज़ से बने हुए हैं, कोई धातु हो सकती है, कोई तरल पदार्थ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसी परिभाषा अगर मैं अंग्रेजी में बोलूँ, जो लिखना चाहें लिख सकते हैं, द सब्सटेंसेस ऑफ विच थिंग्स आर मेड, हम उन चीज़ों की बात कर रहे हैं जिनसे वस्तुओं को बनाया जाता है। इंग्लिश में बोलें द सब्सटेंसेस ऑफ विच थिंग्स आर मेड, हिंदी में बोलें तो उन चीज़ों की बात कर रहे हैं जिनसे वस्तुओं को बनाया जाता है। अब आते हैं हम लास्ट पॉइंट पे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का अर्थ क्या होता है? ठीक है, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग संज्ञा है, इसमें सबसे ज़्यादा गलतियाँ लोग करते हैं। इसका हिंदी होगा भाववाचक संज्ञा। लोगों की ग्रामर ख़त्म हो जाती है, लोगों को ये पता नहीं होता। लास्ट में काफ़ी लोग स्टूडेंट्स वगैरह पढ़ लेते हैं, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ईमानदारी हो गया, बहादुरी हो गया, ये शब्द भी संज्ञा है, क्योंकि संज्ञा की जो परिभाषा हमने रटी हुई होती है तो बचपन वाली परिभाषा मैंने आपको बताई थी, इसके उदाहरण हम समझने की कोशिश करते हैं। ऊपर वाला ही मैं मिटा देता हूँ ताकि हमारे लिए हमारे पास स्पेस हो जाए एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखने के लिए, उसको हम लिखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की परिभाषा मैं इंग्लिश में बताता हूँ पहले, फिर हिंदी में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिनोट्स सम क्वालिटी, स्टेट और एक्शन। ठीक है, इसको उदाहरण के थ्रू हम समझेंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ, वापस एक बार दोहराता हूँ। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिनोट्स सम क्वालिटी, स्टेट और एक्शन। हिंदी में बोलें तो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन से गुण, भाव या दशा का बोध होता है। उदाहरण के थ्रू समझते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से गुण, भाव या दशा का बोध होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे पहला एग्जाम्पल ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का अर्थ होता है हिंदी में ईमानदारी। ईमानदारी एक संज्ञा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। काफ़ी लोग इसको ऑनेस्ट और ऑनेस्टी में अंतर होता है, ऑनेस्ट एक विशेषण है जो किसी संज्ञा के पीछे लगता है, और ऑनेस्टी खुद एक संज्ञा है, इसे हम किसी संज्ञा के पीछे नहीं लगा सकते। ये मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा आगे, जैसे हम नियम पढ़ेंगे डिटेल में इसको विस्तार में पढ़ेंगे। ऑनेस्टी और ऑनेस्ट में डिफरेंस है, ऑनेस्ट एक विशेषण होता है और ऑनेस्टी एक संज्ञा को कहा जाता है, भाववाचक संज्ञा। और हम एग्जाम्पल देखते हैं, विजडम, जैसे कि हिंदी में विवेक कहा जाता है, विवेक। डार्कनेस, डार्कनेस मतलब अंधेरा। पॉवर्टी, गरीबी। पुअर एक विशेषण होता है, पॉवर्टी संज्ञा होती है। मैं आपको उदाहरण के थ्रू समझाऊंगा, एक छोटा सा उदाहरण हम ले लेते हैं। देखिए विशेषण अभी हमने पढ़ा नहीं है, फिर मैं आपको उसमें गहराई में नहीं जाएंगे।
बस छोटा सा उदाहरण लेते हैं, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, वह एक ईमानदार व्यक्ति है। यहाँ पे हमारी संज्ञा है मैन, मैन को बोलेंगे संज्ञा। संज्ञा के पीछे जो शब्द लगते हैं, जस्ट पीछे जो भी आप शब्द लगाएंगे उसको बोला जाएगा विशेषण। संज्ञा की जो विशेषता बताते हैं संज्ञा के पीछे लगते हैं उसको बोला जाएगा विशेषण। ऑनेस्ट जो है वो हमारा विशेषण। देखिए ऑनेस्ट कभी भी अकेला नहीं आ सकता, जैसे हम बोलें ही इज़ एन ऑनेस्ट, ये शब्द बिल्कुल गलत है, ये शब्द गलत है। ही इज़ एन ऑनेस्ट, विशेषण के लिए कोई ना कोई संज्ञा हमें आगे चाहिए। लेकिन संज्ञा अकेले उपयोग होती है, कैसे होती देखते हैं। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी या ईमानदारी जो है वो एक शब्द है जो एक भाव को दिखा रहा है, उसको हम बोलेंगे भाववाचक संज्ञा। इसीलिए ये इंडिविजुअली अपने आप में भी उपयोग होता है शब्द पूरा, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इसके पीछे कुछ हमें लगाने की ज़रूरत नहीं, संज्ञा के पीछे कभी भी कुछ नहीं लगता। अब संज्ञा को हम कुछ और तरीके से तोड़ के देखते हैं जिस पर हमें नियमों में काम पड़ेगी। ठीक है, क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से किया जाता है, अभी मैंने 5 भागों में क्लासीफाई किया था। अब मैं संज्ञा को 2 हिस्सों में तोड़ रहा हूँ, जिनको गिना जा सकता है और जिन्हें नहीं गिना जा सकता। ठीक है, 2 पार्ट लिखते हैं। काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल का अर्थ होगा जिनको गिना जा सकता है, इसकी परिभाषा हम लिखें तो दैट विच कैन बी काउंटेड। अनकाउंटेबल की परिभाषा अगर हम लिखें दैट विच कांट बी काउंटेड, या उन वो संज्ञाएं जिनको गिना नहीं जा सकता उन्हें बोला जाएगा अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अब हम इसके उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं मैं कहना क्या चाहता हूँ। काउंटेबल में कौन कौन से नाउन आएंगे, प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, प्रॉपर नाउन हमने क्या पढ़ा था, किसी व्यक्ति का नाम था, वस्तु का या जगह का नाम था। प्रॉपर नाउन हमने क्या पढ़ा था, जैसे कोई व्यक्ति है व्यक्तियों को गिना जा सकता है, जगह है जगह को भी गिना जा सकता है, हम किसी जगह की बात कर रहे हैं, जैसे ताजमहल कहाँ पर, आगरा में, आगरा एक जगह का नाम। ठीक, किताब, कोई किताबें रखी उन्हें भी काउंट किया जा सकता है। तो हमने प्रॉपर नाउन को क्या किया, काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में डाल दिया, इसका मतलब कि प्रॉपर नाउन को गिना जा सकता है। अब आते हैं दूसरा जो था हमारे पास में, कॉमन नाउन या फिर जातिवाचक संज्ञा। जैसे मैंने इसका उदाहरण दिया था आपको, बॉय, गर्ल। ठीक है, इनको गिना जा सकता है, इसलिए मैंने किस में डालेंगे, काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में डाला जाएगा। तीसरा कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन का अर्थ क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा। जैसे पार्लियामेंट, मैंने उदाहरण दिया था आपको, जूरी उदाहरण दिया था। पार्लियामेंट में एक फिक्स नंबर ऑफ पीपल होते हैं, भारत की संसद में जूरी जो होती है, जो भी पैनल बनाया जाता है उसमें फिक्स नंबर होता है, 3 जजेस होते हैं, कई बार 5 जजेस होते हैं, एक फिक्स पर्टिकुलर नंबर होता है, इनको गिना जा सकता है, इसीलिए हमने इसको किस में डाला है, काउंटेबल नाउन। ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, इनको तोड़ क्यों रहे हैं, इसके क्या ज़रूरत है, पूछा जाएगा कहीं कि कौन सी काउंटेबल है कौन सी अनकाउंटेबल है, ये डायरेक्टली कहीं भी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हम इसे नियमों में उपयोग करेंगे, रूल्स में यूज़ होगा, किस तरीके से उपयोग होगा हम आगे नियमों में देखेंगे। अब आगे आते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स में, अनकाउंटेबल नाउन पढ़ने की कोशिश करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, जिन्हें गिना नहीं जा सकता। ठीक है, सबसे पहला हम देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन में, जो सबसे पहला आएगा हमारा आएगा मटेरियल नाउन। ठीक है, मटेरियल नाउन का अर्थ क्या होता है, मटेरियल नाउन के एग्जांपल मैंने आपको दिए थे द्रव्यवाचक संज्ञा के, पानी, सोना, इस तरीके के उदाहरण दिए थे। ठीक, अब आप ये बताइए, कभी दुकान पे ख़रीदने जाएंगे आप सोना, तो ये बोलेंगे कि एक सोना दे दो या एक पानी दे दो, इस तरीके से हम कभी भी नहीं बोलते, ये प्रोनंसिएशन की चीज़ गलत है, इसीलिए हमने इनको डाला है अनकाउंटेबल, जिन्हें गिना नहीं जा सकता। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि हम 1 किलो सोना मांगेंगे जाके, गिन तो पा रहे हैं, फ़र्क क्या है। जैसे यहाँ पे आते हैं वापस एक बार, प्रॉपर नाउन की बात कर रहा हूँ मैं, 2 लड़के खड़े हुए हैं या 4 लड़के खड़े हुए हैं, उनको हम डायरेक्ट गिन पा रहे हैं, लड़कों के पीछे हमने क्या शब्द लगाया, 4 या 2। वैसा अगर आप डायरेक्ट किसी संज्ञा के पीछे शब्द लगा पा रहे हैं तो वो काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आएगा। जैसे मटेरियल नाउन में क्या होता है हमारे पास में,
गोल्ड, क्या हम ऐसा बोलते हैं वन गोल्ड? नहीं बोल सकते, इसके पीछे डायरेक्ट वन शब्द नहीं लग सकता। हम क्या बोलते हैं? वन केजी गोल्ड। क्या हम ये बोलते हैं कभी किसी के जाते एक पानी दे दो, एक पानी दे दो मुझे? ये सही नहीं है। सही क्या है? एक गिलास पानी दे दो, या आधा लीटर, या 200 ml, कुछ शब्द हमें बीच में लगाने पड़ेंगे। तो इनको क्या होता है, इनको डायरेक्ट हम गिन नहीं सकते। ऐसा नहीं बोल सकते एक पानी दे दो, एक सोना दे दो। तो मटेरियल नाउन क्या होगा? हमारे सारे आ जाएंगे अनकाउंटेबल की कैटेगरी में, जिन्हें गिना नहीं जा सकता। अब एक और उदाहरण क्या था इसमें, लास्ट वाला जो हमने पढ़ा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। जो उदाहरण मैंने दिए थे वापस से दोहराता हूँ, पावर्टी गरीबी, ऑनेस्टी ईमानदारी। ठीक है, अब इनको गिन सकते हैं कि नहीं? कभी आप ये बोलते हैं कि भाई मैं 1 किलो ईमानदार हूँ या 2 किलो ईमानदार? ठीक है, इनको नापा नहीं जा सकता ईमानदारी को, खूबी को। कि ईमानदारी का कोई क्वांटिटेटिव टर्म नहीं होता है जिसको हम किसी भी अंकों से तुलना नहीं कर सकते। इस तो क्या होगा, जिन्हें गिना नहीं जा सकता ये तो होंगे अनकाउंटेबल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का उदाहरण क्या बताया था आपको? ऑनेस्टी, ब्रेवरी। जिन शब्दों को गिन नहीं सकते वो आएंगे अनकाउंटेबल नाउन में। किसी की ईमानदारी को गिना नहीं जा सकता, किसी की बहादुरी को गिना नहीं जा सकता, तो हमारे ये क्या होंगे? अनकाउंटेबल नाउन। अभी हमने इसको तोड़ा क्यों काउंटेबल और अनकाउंटेबल में, इसके पीछे कारण समझते हैं। तोड़ने की ज़रूरत क्या पड़ी, क्या ज़रूरी था कि काउंटेबल अनकाउंटेबल दो हिस्सों में तोड़ा जाए? ठीक है, आपको उदाहरण के थ्रू मैं समझाता हूँ। ए बॉय हम लिख सकते हैं, ए बॉय हम लिखते हैं, आपने पढ़ा होगा। कभी हम मेहमानों के यहाँ जाके ये बोलते हैं कि मुझे ए वाटर ले आओ? ठीक है, नहीं बोलते, क्योंकि पानी के पीछे आ नहीं लगता, एन नहीं लगता, इनको गिना नहीं जा सकता। ये हम आर्टिकल का नियम है, आर्टिकल में डिटेल में पढ़ेंगे। ए या एन जो होता है हमारा, ए या एन कहाँ पे लगता है हमारा? हमेशा हमने तोड़ा क्यों था, एक नियम हम आगे पढ़ेंगे। ये आर्टिकल्स का नियम भी है और ये संज्ञा में भी पढ़ा जाएगा। ए और एन जो शब्द लगाए जाते हैं वो हमेशा उन चीज़ों के पीछे लगाते हैं जिनको हम गिन सकते हैं। उदाहरण से समझाता हूँ आपको, जैसे कोई लड़का खड़ा हुआ है तो उसको हम इशारा करके बोल रहे हैं अ बॉय, अ बॉय हम बोल सकते हैं। किसी लड़के को गिना जा सकता है, कुछ लड़के खड़े हुए हैं उनको गिना जा सकता है, तो उस पर हम ए या एन लगा सकते हैं। लेकिन कभी हम किसी के यहाँ जाते हैं मेहमानों से आके ही बोलते हैं कि मुझे ए पानी दे दो, ए कभी वाटर के पीछे नहीं लगाया जाता। या कभी ज्वेलर्स की शॉप पे जाके ये बोलते हैं मुझे अ गोल्ड दे दो, नहीं बोला जाता। अ और एन जो होता है, ए और एन जो होता है, कभी भी द्रव्यवाचक पानी हो गया, सोना हो गया, इन चीज़ों में कभी भी नहीं लगता। जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं डायरेक्टली उसमें आप ए एन लगा सकते हैं, जिन्हें हम नहीं गिन सकते जैसे सोना हो गया, पानी हो गया, उनमें हम ए एन कभी भी नहीं लगाते। अब मैं वापस एक बार चीज़ रिपीट करता हूँ। कुछ लोग सोचेंगे कि पानी हम एक गिलास हमने बोला तो उसको गिन तो पा रहे हैं। ठीक है, देखिए गिलास शब्द आपने बीच में लगा दिया, मैं गिनने के सेंस में बोल रहा हूँ। अगर आप डायरेक्ट कुछ नंबर पीछे लगाएं, एक पानी, दो पानी, तीन पानी, ये कोई भी शब्द सही नहीं है, बोलने का तरीका गलत। हमें कुछ शब्द बीच में जोड़ने पड़ेंगे तब हम उसे गिन पा रहे हैं, एक लीटर पानी या एक गिलास पानी। ठीक है, काउंटेबल उन शब्दों को बोला जाएगा जिनमें डायरेक्ट हम पीछे कुछ लगाएं और उन्हें गिन सकें, जैसे एक लड़का, दो लड़के। ठीक है, इनमें हमें बीच में कोई शब्द लगाना नहीं पड़ रहा इसमें, जैसे लीटर या किलो, ये शब्द लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो इनको क्या बोला हमने? काउंटेबल। और जैसे पानी की बात हमने करी, एक लीटर पानी, एक गिलास पानी, तो पानी को हम डायरेक्टली नहीं गिन सकते, एक पानी है, दो पानी है, कुछ शब्द बीच में जोड़ने पड़ेंगे, तो उसे क्या बोला जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन। यहाँ पे हम उदाहरण लिख लेते हैं, कुछ उदाहरण मैं आपको लिखवा देता हूँ काउंटेबल के। साधारण सीधी सी बात है, जिनको हम गिन सकते हैं उनके पीछे हम ए एन लगाएंगे, जिन्हें हम नहीं गिन सकते उनके पीछे हम ए एन नहीं लगाएंगे। दो नियम मैं आपको लिखवा देता हूँ जो मैंने चीज़ अभी समझाई।
नोट करके लिखिएगा नोट में, नंबर वन पॉइंट, अनकाउंटेबल नाउंस के पहले, अनकाउंटेबल नाउंस के पहले ए स्लैश एन, स्लैश किस तरीके से होता है, ए हो गया, ये हो गया स्लैश और एन, ए स्लैश एन लगाकर सिंगुलर या एस ई एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाई जाती। वापस रिपीट करता हूँ, अनकाउंटेबल नाउंस के पहले ए स्लैश ए एन लगाकर सिंगुलर या एस स्लैश ई एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाई जाती। ठीक है, ए और एन का तो मैंने आपको समझा दिया। जैसे अब एस ई एस वाला क्या फंडा है, एस ई एस वाला फंडा भी हम समझने की कोशिश करते हैं। एक रूल और लिख लीजिए, फिर समझाता हूँ इकट्ठे। रूल नंबर टू लिखते हैं, अनकाउंटेबल नाउंस के साथ, अनकाउंटेबल नाउंस के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, अनकाउंटेबल नाउंस के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। सबसे पहले हम एस ई एस वाला फंडा समझते हैं। एस ई एस वाला फंडा क्या था, ए एन वाला तो मैंने आपको समझा दिया, ए या एन जिन चीज़ों को गिन सकते हैं उनके पीछे लगेगा। ठीक है, अब देखते हैं अनकाउंटेबल के पीछे एस ई एस लगा सकते हैं कि नहीं। अनकाउंटेबल मतलब क्या होता है, जिनको गिना नहीं जा सकता, जैसे वाटर। कभी हम मेहमानों के यहाँ जाके ये बोलते हैं मुझे वाटर्स दे दो, ठीक है, हम ये बोलते हैं मुझे पानी चाहिए पानी दे दो। ये वाटर्स कभी भी नहीं बोला जाता, क्योंकि एस ई एस वो पानी को गिना नहीं जा सकता, तो उसके पीछे एस ई एस नहीं लगेगा। चाहे पानी आप एक गिलास पियो चाहे एक बाल्टी पियो, कितना भी पानी पी जाओ वाटर वाटर ही रहेगा, वाटर वाटर्स कभी भी नहीं होगा। अनकाउंटेबल के पीछे अनकाउंटेबल के पीछे कभी भी एस ई एस नहीं लगाया जा सकता। और देखते हैं, ऑनेस्टी हो गया, ऑनेस्टी को गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते, नहीं गिन सकते, मैंने बताया था उन ईमानदारी को गिना नहीं जा सकता, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑनेस्टीज। ठीक है, नियम में क्या लिखा हुआ है, जिन भी चीज़ों को गिना नहीं जा सकता उसमें कभी भी एस या ई एस नहीं लगेगा, जिन चीज़ों को गिना नहीं जा सकता उसमें एस ई एस हम कभी भी नहीं लगाएंगे, आसान सा नियम। अब दूसरा रूल समझते हैं, जो मैंने दूसरा रूल लिखवाया था, रूल नंबर टू, अनकाउंटेबल नाउंस के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। कुछ उदाहरण हम देखने की कोशिश करते हैं, उदाहरण के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। कुछ उदाहरण हम लेंगे, जैसे मैं ज्वेलर्स की शॉप पे गया और बहुत सारी चीज़ें मैंने सोने की खरीदी, बहुत सारी चीज़ें, मैं किस तरीके से लिखूँ, गोल्ड आर वेरी कॉस्टली, ये सही है कि गलत है? ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। गोल्ड के साथ में कभी भी आर नहीं लगाया जा सकता। क्यों नहीं लगाते, गोल्ड को गिना नहीं जा सकता, मैंने बताया था आपको, गोल्ड सोने को हम गिन नहीं सकते। ठीक है, हम दुकान पर जाके कभी भी ये नहीं बोलते कि मुझे एक सोना दे दो, दो सोने दे दो या पाँच सोने दे दो, फिर पीछे कुछ शब्द जोड़े जाते हैं बीच में, एक तोला सोना दे दो या 10 ग्राम सोना दे दो, इस तरीके से हम बात करते हैं। इसको हमने क्या किया, अनकाउंटेबल ही कैटेगरी में जाना, जिन्हें गिना नहीं जा सकता। इसके साथ में क्या होगा, हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगा। अब सिंगुलर और प्लूरल वर्ब क्या होता है, वर्ब तो हमने पढ़ा नहीं है, ये हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, क्रिया जो वर्ब चैप्टर होगा, क्रिया वाला चैप्टर होगा उसमें। अभी मैं आपको मोटा मोटा समझा देता हूँ। इस और आप कहाँ पे उपयोग होता है, उदाहरण देता हूँ आपको, तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, एक की बात कर रहे हैं, ही मतलब एक व्यक्ति की, वहाँ पे क्या लगेगा, इस आर हम कहाँ पे लगाएंगे, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हमारा यूज होगा आर, ए आर ई, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, एक के लिए यूज होगा इस, जहाँ बहुत सारे होंगे उसके लिए यूज होगा आर। अब यहाँ पे आते हैं वापस, गोल्ड आर वेरी कॉस्टली,
मैंने बताया जब हम सोने को गिन ही नहीं सकते, जिन चीज़ों को गिनते नहीं उनको क्या सिंगुलर माना जाता है, हमेशा सोने को सिंगुलर माना जाएगा, उसके साथ में लगेगी सिंगुलर वर्ब, ये रूल मैंने आपको लिखवाया है। अब इसी चीज़ को हम पांच क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। अब हम पांच उदाहरण देखेंगे जिसके थ्रू हम जो